जय श्री कृष्णा। डीबी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी, शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वाले आज आप सरकारी पद को प्राप्त कर सकते हैं अथवा देश विदेश की यात्रा का योग भी बन रहा है। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वालों को कानूनी वाद विवाद आपके समाप्त हो सकते हैं एवं नया काम शुरू कर सकते हो। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति ध्यान दें, आपको आज के दिन कोई विशेष लाभ के अवसर हाथ लगने वाले हैं। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को भाग्य का उदय हो सकता है। नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग भी आपको आज के दिन बन रहे हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज वाहन से सचेत सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। आराम से रहें और माता रानी की सेवा करें, नवरात्रि चल रही हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन घर परिवार वालों मित्रों से अच्छे संबंध रहने की भी योग बन रहे हैं और कोई बहुत पुराना अटका हुआ काम हो सकता है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग भी आपको आज के दिन बन रहे हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन पूर्ववत किसी सरकारी पद पर आप तैनात हैं, पदस्थ हैं, तो नया कोई पद लाभ प्राप्त हो सकता है। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन कोई फोन इत्यादि के माध्यम से शुभ सूचना इत्यादि प्राप्त हो सकती है। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन शत्रु परास्त होंगे, मित्रों से लाभ होगा। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन आज आप कहीं घर से बाहर जा सकते हैं, शुभ मांगल्य काम भी हो सकता है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय हो सकता है, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग बन रहे हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर कोई नया धंधा, बिजनेस या कोई नया शुभ काम प्रारंभ कर सकते हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।